अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम बैक विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास दो स्ट्रीम्स रह गई थी, हाईली स्किल एंड टैलेंटेड स्ट्रीम और इसके बाद ऑफशोर की स्ट्रीम। ऑफशोर वाले ऑफशोर और हाईली स्किल एंड टैलेंटेड दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, ये कॉमन है। हाईली स्किल एंड टैलेंटेड में कौन अप्लाई कर सकता है? इंटरस्टेट वाले साउथ ऑस्ट्रेलिया में जो रह रहे हैं वो, और ऑफशोर वाले, ये तीन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो उन्होंने इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जल्दी से बताया, मैं इसको डिस्कस करूंगा। आप ऑस्ट्रेलिया में, साउथ ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, इंटरस्टेट रह रहे हो या ऑफशोर रह रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेस देन 45 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए, पॉजिटिव स्किल असेसमेंट होनी चाहिए, एटलीस्ट 65 पॉइंट्स होने चाहिए और आपकी कॉम्पिटेंट इंग्लिश होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप साउथ ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं या फिर आपको पोजिशन ऑफर हुई है तो उन्होंने उसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई हैं जिसको फॉलो करना है। आपका वो बिजनेस वहां पर जिसमें आप काम करने जा रहे हैं, जिस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में, जहां पर भी काम करना चाह रहे हैं, वो लास्ट 12 मंथ से वहां पर ऑपरेट कर रहा हो साउथ ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स के अंदर, बिटवीन साउथ ऑस्ट्रेलिया काम कर रहा हो, आउटर बैक रीजन्स में भी काम कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, और उस कंपनी की गुड स्टैंडिंग, उसकी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए और उसकी कोई एडवर्स इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए उस बिजनेस के बारे में। हाँ जी दोस्तों, अगर उस बिजनेस में आपने काम करना है तो दोस्तों उस बिजनेस का टर्नओवर $4 million पर ईयर होना चाहिए, तब दोस्तों आप उसकी जो उस कंपनी के साथ अगर काम करेंगे तो उसको वो मानेंगे, यानी उसको एक्सेप्टेबल है। लेकिन उसमें उन्होंने एग्जेम्पशन दे दी है कुछ कंपनीज के बारे में कि अगर आप इन सेक्टर्स में काम करें और ये कंडीशन है तो हम उसको उस टर्नओवर को भी एग्जेम्प्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नंबर वन उन्होंने कहा कि स्टार्टअप कंपनीज, जो कि नई नई कंपनी स्टार्ट हुई है लेकिन लास्ट 12 मंथ से, उसको हम एग्जेम्प्ट करते हैं इससे, ये क्राइटेरिया से, $4 million वाले से। सेकंड, जो रीजनल ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेट कर रहे हैं उनको हम करते हैं, या फिर जो सेक्टर्स डिफेंस को ऑपरेट कर रहे हैं, यानी डिफेंस को हेल्प कर रहे हैं, डिफेंस सेक्टर्स के अंदर कोई काफ़ी लोग, काफ़ी कंपनीज होती हैं जो डिफेंस को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो वो भी इससे एग्जेम्प्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये रिक्वायरमेंट्स इसकी प्रीटी मच आपकी कंपनी से रिलेटेड। अब चलेंगे दोस्तों, इन्होंने दो आगे स्ट्रीम्स बनाई हैं और इसके अंदर इन्होंने ये भी बताया कि क्रिटिकल सेक्टर्स कौन से हैं जिसमें अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें आपकी एप्लीकेशन को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने कहा कि जो भाई बहने, जो भी लोग यहां पे रह रहे हैं और हाई टेक और डिजिटल इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस में काम कर रहे हैं, उनके पास क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। उनकी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने बताई है दोस्तों, उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहीं पे भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में भी और आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया में भी। उनके कुछ फील्ड्स इन्होंने बताई है जिनको वो प्रायोरिटाइज करते हैं। वो कहते हैं जिनके AI स्पेशलिस्ट में काम किया हो, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट में काम किया हो, डाटा साइंटिस्ट में काम किया हो, रोबोटिक्स इंजीनियर, क्लाउड आर्किटेक्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्पेशलिस्ट, ब्लॉकचेन डेवलपर, रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर, ऑगमेंटेड रियलिटी AR, वर्चुअल रियलिटी, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च और क्वांटम कंप्यूटिंग स्पेशलिस्ट के अलावा, उन्होंने कहा जो जिस बंदे ने एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ 5G नेटवर्क इंजीनियर भी जिन्होंने कहा है, तो जिन्होंने काम किया हुआ है, तो वो दोस्तों उनकी एक्सपीरियंसिस जो है वो काउंट होंगे। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये बताया कि डिफेंस और स्पेस इंडस्ट्री में जिसने काम किया साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसके लिए भी उन्होंने रिक्वायरमेंट्स बता दी कि वर्किंग फुल टाइम की हो आपने या फिर 30 घंटे हर वीक काम किया हो। जी हाँ दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन आपकी ऑस्ट्रेलिया के और साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम कर रही हो और वो इंटेग्रल पार्ट हो सप्लाई चेन सपोर्टिंग जो है, वो सप्लाई चेन सपोर्टिंग हो, जो कि सप्लाई चेन की सर्विसेज दे रही हो, जी हाँ दोस्तों डिफेंस के अंदर उसकी सपोर्टिव सपोर्ट होनी चाहिए। और अगर आप ऑफशोर हैं और आप इंटरस्टेट हैं, आपने इस फील्ड में काम किया है, तो ये रिक्वायरमेंट है, उन्होंने कहा कि आपने अपना एक्सपीरियंस डेमोंस्ट्रेट करना है और हाईली स्किल्ड एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए और आप यहां पर विलिंग होने चाहिए कि आप रीलोकेट करेंगे साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इन दोनों सेक्टर्स में अगर किसी ने काम किया है तो ये चीजें उन्होंने डिफाइन की है कि इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, इस चीज में वो प्रायोरिटाइज करेंगे। हाईली स्किल्ड सेक्टर्स उन्होंने बताए हैं कि यहां पर हाईली स्किल्ड और टैलेंटेड वाले बंदे काम कर रहे हैं तो वो क्रिटिकल में है। अब उसकी उन्होंने बता दिया कि ये इंटेग्रल पार्ट ऑफ सप्लाई चेन सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं, ठीक है, आप इन सेक्टर्स को, सॉरी, इंटेग्रल पार्ट ऑफ सप्लाई चेन सपोर्टिंग दीज सेक्टर्स, ठीक है, आप इस सेक्टर्स को सपोर्ट कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, कौन से सेक्टर्स हैं? हाईटेक, हाई टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेक्टर, ग्रीन एनर्जी और हाइड्रोजन, उसके बाद डिफेंस, स्पेस एंड साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहे हो तो वो जबरदस्त है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, एग्री बिजनेस, एग्रीकल्चर, उसके बाद दोस्तों क्रिएटिव इंडस्ट्रीज और हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज। इन सारी ऑक्यूपेशन में अगर आप काम कर रहे हैं इन फील्ड्स रिलेटेड और ये सप्लाई चेन सपोर्टिव भी हैं, तो दोस्तों आपकी ये ऑक्यूपेशन जो है वो क्रिटिकल में आती हैं, आप इस क्राइटेरिया में हाईली स्किल्ड एंड टैलेंटेड में फॉल करते हैं, आप ऑनशोर और ऑफशोर दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं चलूंगा ऑफशोर के ऊपर। ऑफशोर में दोस्तों कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट का एक स्किल सिलेक्ट सिस्टम भी है जहां पर अपनी प्रोफाइल आप डाल सकते हैं, जहां पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करेंगे और वहां से डिफरेंट स्टेट्स आपको स्पॉन्सर कर सकती हैं, आपकी प्रोफाइल को चूज कर सकती हैं, वहां से भी अगर आप अपलोड करते हैं तो वहां से भी आपको साउथ ऑस्ट्रेलिया नॉमिनेट कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, SOL लिस्ट के ऊपर अगर आप अपनी ऑक्यूपेशन देखते हैं और आप वहां से
आप अपना लॉन्च करते हैं स्किल सिलेक्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया को स्पेसिफिकली, तो वहां से भी वो आपको सिलेक्ट करेंगे। और दोस्तों इसमें उन्होंने बताया कि वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, ईयर्स एंड फील्ड ऑफ स्किल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपने कौन से फील्ड में आपकी एम्प्लॉयमेंट और कितने सालों से है, जितने सालों से ज़्यादा उतने आपके पॉइंट्स। उसके बाद दोस्तों उन्होंने बताया कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कैपेबिलिटी कितनी है, कितना इंग्लिश का स्कोर है, उतने ज़्यादा चांसेस आपके ईओआई पॉइंट्स, जिसके ईओआई पॉइंट्स एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पॉइंट ज़्यादा है, आपकी एज की, आपकी एजुकेशन की, आपकी डिग्री के, आपकी आइट्स के, उसके बाद आपकी नाती, यानी डिफरेंट पॉइंट्स पता है कि इमिग्रेशन सिस्टम के जिसके ज्यादा होंगे उसको वो प्रेफर करेंगे। अब मजे की बात ये है दोस्तों कि अगर आप प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन जो इन्होंने पहले बताए हैं, अगर आप उनमें अप्लाई करते हैं और अगर उससे रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस है और आप उसमें आ जाते हैं, तो आपको 190 ऑफर करेंगे और वो आपको प्रायोरिटी पे 190 ऑफर करेंगे। ऑफशोर वाले हाईली स्किल्ड एंड टैलेंटेड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। जी हां दोस्तों, साउथ ऑस्ट्रेलिया का काफी लंबा इन्होंने क्राइटेरिया बताया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझने की चीज है। अगर आप इन ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं तो गो अप्लाई, आपके लिए इंशाल्लाह पॉजिटिव जो है रिस्पांस आएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और दोस्तों अगर आपने ये सारा प्रोसेस करवाना है तो आई वुड से कि आप एक ऑस्ट्रेलियन जो है वो रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हायर करें, उससे ये सारा प्रोसेस करवाएं। अगर आपके कांटेक्ट में कोई है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको माइग्रेशन एजेंट से कांटेक्ट करवा सकते हैं और आप उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आई होप बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप आई विश एंड आई प्रे फॉर यू गाइस कि आपकी यहां पे नॉमिनेशन से आप सिलेक्ट हो और आपकी यहां पे जो है वो रेजिडेंसी अप्रूव हो ताकि आप यहां पे आकर स्टे कर सके। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और भाई की वीडियोस पे पॉजिटिव कमेंट्स करते रहा करिए, खुशी होती है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।